हेलो एवरीवन, वेल्कम टू भव्या हेल्थ केयर। और मैं हूं आपकी दोस्त भव्या। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रात को नाखून क्यों नहीं काटने चाहिए, नाखून काटने का सही समय क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो को तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो से दोस्तों, हाथों की सुंदरता बढ़ाने के लिए नाखूनों का अहम रोल होता है। लेकिन ज़्यादा बड़े नाखून भी आजकल अच्छे नहीं लगते और ये हमारी हेल्थ को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम अपने हाथों से खाते हैं और जो भी हम खाते हैं वो सीधा हमारे पेट में जाता है, और जिससे हमारे नाखून अगर बड़े होंगे तो उनका जर्म्स भी हमारे पेट में जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि रात को नाखून काटने का क्या लॉजिक होता है कि आपको रात को नाखून क्यों नहीं काटने चाहिए। नाखून हाथों की खूबसूरती बढ़ाने का काम करते हैं। खूबसूरत हाथों के लिए नाखूनों की देखभाल की जाती है। लड़के अक्सर अपने नाखून को छोटे रखते हैं, वहीं महिलाएं नाखून लंबे रखती है, लेकिन लंबे नाखून का काफी ध्यान रखती है। नाखून की देखभाल में सबसे पहले नाखून को काटा जाता है। जिन महिलाओं को लंबे नाखून का शौक है वह भी समय समय पर अपने नाखूनों को काटती है। नाखून काटने को लेकर अक्सर कहा जाता है कि रात के समय नाखून नहीं काटने चाहिए। घर पर कहा जाता है कि रात को नाखून काटने से बीमार हो जाते हैं, इसलिए रात को नाखून काटना अच्छा नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं नाखून काटने का सही समय और क्या रात को नाखून काटना चाहिए या नहीं। तो पहले जानते हैं कि रात को नाखून काटना चाहिए या नहीं। नाखून केराटिन के बने होते हैं। जब रात को नाखून काटते हैं उस समय नाखून काफी टाइट होते हैं, क्योंकि रात के समय काफी देर तक हाथ पानी में नहीं गया होता, जिसकी वजह से नाखून टाइट रहते हैं। कई बार टाइट नाखून काटने से नाखून गलत कट जाता है या फिर क्यूटिकल्स कट जाते हैं। वहीं कुछ लोग काफी अंदर तक नाखून काट लेते हैं, जिसकी वजह से घाव हो जाता है, इसलिए रात के समय नाखून नहीं काटना चाहिए। वही टाइट नाखून बीच में से टूट जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो जाता है। अब जानते हैं नाखून काटने का परफेक्ट टाइम क्या है। नहाने के बाद नाखून काटने का सबसे अच्छा टाइम माना जाता है। नहाने के बाद साबुन और पानी की वजह से नाखून काफी सॉफ्ट होते हैं, जो आसानी से कट जाते हैं। नाखून को काटने से पहले हाथों को गीला करें। नाखून काटने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हमेशा गीले नाखून को काटें। नाखून काटने से पहले अपने हाथों को पानी में डालें। पानी में हाथ डालने से नाखून सॉफ्ट हो जाते हैं। सॉफ्ट नाखून को काटना बहुत आसान होता है। गीले नाखून को ट्रिम करना बहुत ही आसान होता है। नाखून को सॉफ्ट और मुलायम करने के लिए आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही नेल कटर का इस्तेमाल। नाखून काटने के लिए आपके पास सही नेल कटर होना बेहद ज़रूरी है। नाखून काटने के लिए आप नेल कटर और फाइलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैर की उंगलियों को काटने के लिए आप टोनल क्लिपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाखून काटते समय इन्फेक्शन से बचने के लिए आप अपना पर्सनल नेल कटर का इस्तेमाल करें। नेल काटने के बाद नेल कटर को गर्म पानी में डालकर धो लें। सूखने के बाद नेल कटर को रख दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि हमें किस टाइम अपने नेल्स को काटना चाहिए और रात में इनको नहीं काटना चाहिए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल भव्य हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी फिट।